हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप कल के ब्लॉग में देखें कि हम यहीं पर मतलब अपना ब्लॉग एंड किए, और पार्ट टू में आप देखेंगे कि आज हम लोग सच में जंगल जाएंगे और जंगल से मिट्टी लेकर आएंगे। वहाँ उसकी पहले मिट्टी की पूजा होगी और फिर उसके बाद खोद कर लाया जाएगा, जैसे हमारी हिस्ट्री में पाषाण काल में मिट्टी खोद खोद कर ढूँढा गया था कि कौन क्या है। अभी तो चाची अंदर से टोकरी में सारी चीज़ें रख चुकी हैं और अब लेकर आ रही हैं। थोड़ा सा दरवाज़ा छोटा है, मतलब थोड़ा दरवाजे की लेंथ छोटी है, इस वजह से झुक झुक कर आ रही हैं। मम्मी चाची दोनों चाचियाँ मेरी पकड़ी हैं, मम्मी पकड़ी हैं टोकरी, और अब इसको सर पर रख कर ही ले जाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी हो, ये तीन लोग भी पकड़ी हैं। अब इसको ढूंढा जा रहा है कि कैसे दिखा। आइए देखते हैं टोकरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए नहीं दिखाई और ऊपर रख ली सर पर। अब जाएंगे हम लोग मिट्टी लेने। ये अब हम चल दिए लेने। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारा गांव का मतलब बाहर का नज़ारा है, और अभी इस वक्त तो लाइट थोड़ा स्लो है, अंधेरा है, इस वजह से सब अपने मोबाइल की लाइट जलाए हैं। यहाँ पर चाची इसलिए झुकी हैं कि कहीं ये जो रखा है फड़वा, ये कहीं गिर ना जाए, इसलिए बैठकर देखिए कैसे जा रही हैं। चाची लोग के भी अलग अलग टेक्निक है। देखिए नज़रें कैसे छुपा कर निकल गई। ये मेरे गांव की गलियां हैं जो कि गांव के एरिया पे है, और एक तरफ सड़क की तरफ से नहीं जाते हैं। जब भी कोई कार्य होता है शुभ काम तो इधर ही से जाते हैं। और ये देखिए, ये हम लोग सब चल रहे हैं और कैमरामैन पीछे हैं। यहाँ पर इतना अंधेरा है, सब एक दूसरे को कह रहे हैं बच कर रहिए, और इसको क्या ये जैसे इलेक्शन लड़ने जा रही है। जैसे ही हम गांव से बाहर आए सड़क की तरफ, तो यहाँ पर चाट फुल्की वाले की दुकान है, तो सबका मन इसी पर अटक चुका है। अब कह रहे हैं कि लौट के खाएंगे। देखिए लौट यहाँ पर हम प्लेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर एकदम मतलब मिट्टी ले सकते हैं कहाँ की। और गांव में तो सिस्टम ही रहता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए एक जगह मिली है। वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा बिल है, तो सब कह रहे हैं सांप का बिल है, सांप का बिल है। नहीं, सांप का बिल है नहीं, सब उसी पर ढूँढ रहे हैं, लेकिन वो सांप का बिल नहीं है, ऐसा सब कह रही हैं। कहते हैं वो ऐसे ही बना है। और अगर सांप बाई चांस निकल आई, ये देखिए सांप का बिल दिखा, अगर बाई चांस निकल आया तो ये भागते ही भागते क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सांप वगैरह नहीं रहते हैं, और जंगल में तो सांप जाहिर सी बात है रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर भी रात में गई हैं, रात में इन लोग को जाना ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा मजाक चलता है, और जैसे मतलब यहाँ पर ये निकालेंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा गाना वगैरह गाते हैं लोग। और देखिए मम्मी अपना मतलब धरती माँ को मना रही हैं कि हाँ थोड़ी सी मिट्टी दे देंगी तो चूल्हा वगैरह बन जाएगा, जो कि शादी
गाइस आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या होता है और ऐसा होता है जैसा मेरे यहाँ होता है। कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस। ये खुद थी तो मतलब औरतें ही हैं, पर ये लड़का किधर से आ गया? इसको एक मेरी छोटी वाली चाची आई नहीं है तो इस वजह से इसी को बुलाया गया। और लड़के ही मतलब फैमिली मेंबर में ही करेंगे, लड़कियां नहीं करती हैं। और मम्मी इस यहाँ पर थोड़ा सा जो पत्तल वगैरह पड़े थे उनको ढूंढ कर आग जलाएंगी। आग जलाने पर थोड़ा सा हवन किया जाएगा, जैसे कि आपको पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि हवन बिना हवन हर पूजा में लगती है और किया जाता है जिसे कि और काम सफल हो। जब पूजा हो जाएगी तब मुझे मिठाई मिलेगी, ये बताइए आप लोग को भी मिठाई मिलती है? अरे देखिए पहले टोकरी इस पर उसके सर पे रख दिया गया है। अब चांस आई मेरी, देखिए मुझे बहुत मतलब बड़ी टोकरी दे दिया गया है। देखिए ये देखिए सबसे बड़ी वाली मुझे लिए ही निकल चुकी है। अब मम्मी चाची रख दी है मेरे सर पर। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखिएगा चाची को कितनी छोटी टोकरी मिली है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए सबको छोटी छोटी मुझे बड़ी मिल गई। ओ शिट यार, देख रहे हैं मम्मी को भी छोटी सी टोकरी मिली है। अब हम लोग घर के लिए रवाना होंगे यहाँ से, पहला मम्मी ही निकलनी। देखिए यहाँ कुछ और प्लान बन रहा है। अंदर जाए क्या लेना था? ये
आते ही आते रात हो गई थी और देखिए थोड़ा सा मिठाई बन रही है और खाना खा चुके हैं हम लोग। अब चाय बन रही है। अब मैं चाय पीने के बाद वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट।